वायरस के कहर से बचने के लिए देश भर में लॉकडाउन का माहौल है। सभी से बचे रहने की पूरी कोशिश में भी लगे हुए हैं। इस टाइम जब देश कोरोना नाम की मुसीबत से जूझ रहा है, तब इसी बीच कुछ इंडियन सिंगर्स पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में इन आर्टिस्ट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए बीते दिन फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज यानी FWICE ने एक नोटिस जारी किया है। दरअसल अब ये मामला क्या है आप वो समझिए। FWICE ने इन सभी बॉलीवुड स्टार्स को चेतावनी दी है कि वो पाकिस्तानी सिंगर्स के साथ काम ना करें। अगर इसमें कोई दोषी पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे में अक्षय के कुछ फेवरेट सिंगर्स पर भी तलवार लटकी है, जिन्होंने उनकी सुपर डुपर हिट फिल्म से अक्षय के साथ कुछ बेहद हिट ट्रैक्स दिए हैं। अब कौन है ये सिंगर्स, सुनिए। आपको पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान तो याद ही होंगे, जिन्हें बॉलीवुड में सूफी गायकी का बादशाह कहा जाता था। उन्होंने इंडियन मूवीज में ऐसे कई माइंड ब्लोइंग ट्रैक्स दिए जिनके बारे में क्या ही कहे। लेकिन अक्षय की मूवी के एक सबसे सुपर हिट सॉन्ग आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है, नमस्ते लंदन का तेरी याद, जिसे राहत फतेह अली खान ने अपनी दमदार और शानदार आवाज से और निखारा था। आपको बता दें कि अक्षय की मूवी के साथ साथ ये सॉन्ग आज भी हर दिल अजीज है और इसी सॉन्ग ने अक्षय को एक नई पहचान भी दी। ऐसे में सिंगर के बॉलीवुड से पट्टा कट जाने में यकीनन अक्षय को दुख होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सिंगर्स पर काफी टाइम पहले ही पुलवामा हमले के बाद बैन लगा दिया गया था। नंबर 2, रुस्तम तेरे संग यारा आतिफ असलम। अब दूसरे जिस फेवरेट सिंगर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, उन्होंने अक्षय की दूसरी सुपरहिट फिल्म रुस्तम का सुपरहिट रोमांटिक सॉन्ग तेरे संग यारा गाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेलोडियस आवाज से सभी पर जादू कर देने वाले पाक सिंगर आतिफ असलम की, जिन्होंने रेस रेस 2, टाइगर जिंदा है, रुस्तम और ना जाने कितनी मूवीज को अपनी आवाज से सजाया है। हालांकि अब इन सिंगर्स का बॉलीवुड के साथ कोलैबोरेशन कब होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अब बॉलीवुड सिंगर्स को जो वार्निंग पाक सिंगर्स के साथ काम ना करने पर मिली है, उससे इनके भारत में आने और हमारे इंडियन सुपर सिंगर्स के साथ गाना गाने का सपना इस वक्त लगभग मुमकिन लग रहा है। तो इस पर आपकी क्या है राय, दीजिएगा जवाब अपना नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में।